30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुंचे थे। आज इस संख्या घट करके मात्र 94,000 पहुंच गई है। मान सकते हैं 2,16,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 21 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके लिए टेस्ट क्षमता बढ़ाई, उत्तर प्रदेश ने आज 3,07,000 टेस्ट किए हैं, 24 घंटे में 3,07,000 टेस्ट। और अगर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4,65,00,000 को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है। पॉजिटिविटी रेट एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17% के आसपास पहुंच चुकी थी, आज वह घट करके 2.4% के आसपास है। CFR प्रदेश का 1% के आसपास है। रिकवरी रेट 93% से अधिक है, जो देश के अंदर सबसे अच्छा है। ये प्रदेश के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है उसका एक हिस्सा है। और ऐसे ही हम लोगों ने, यहाँ की टीम ने, इटावा की जो हमारी टीम है, यहाँ के जनमान्य जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के हेल्थ वर्कर्स ने, यहाँ की जो कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, इन सब ने मिलकर के जो कार्य किया है उसके अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। एक समय यहाँ पर जो पॉजिटिविटी थी वह 30% के आसपास पहुँच गई थी, आज वो घट करके 2 से नीचे आ चुकी है। निगरानी समिति बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग का काम कर रही है। टेस्ट क्षमता बढ़ाई गई है, बेड्स बढ़ाए गए हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ये निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया है, वहीं इटावा ने भी 1,20,000 वैक्सीन इटावा जनपद में भी अब तक उपयोग हुए हैं। वैक्सीन ये सभी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। वैक्सीन ये फ्री में दिया जा रहा है 45 से ऊपर भारत सरकार के सहयोग से, और 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार स्वयं वैक्सीन खरीद करके इस वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ा रही है। 18 से 44 के बीच में अभी हम लोग 23 जनपदों में इसको लेके चल रहे हैं। हम धीरे धीरे करके इसका विस्तार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जून में जितना वैक्सीन हम प्रतिदिन दे रहे हैं इसको हम दोगुना से ज़्यादा बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों तक इसके कवरेज को पहुँचाने की व्यवस्था करें। प्रदेश ने वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ किया है ये तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ ही रहा है। हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर 300 से अधिक वर्तमान में या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। फर्स्ट वेव की तुलना में ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा मांग डिमांड ज़्यादा होने के कारण आपूर्ति के लिए भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहयोग लिया गया और ऑक्सीजन में कहीं कोई दिक्कत न हो इसके बारे में निरंतर नित नए प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है, अभी जो हमारी कार्रवाई चल रही है, एक तो
कम्युनिटी किचन, हर जनपद में कम्युनिटी किचन का प्रारंभ, हर जरूरतमंद को, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, स्ट्रीट वेंडर है, या मरीज के परिजन है, उनको भोजन मिल सके। मरीजों का उपचार निःशुल्क है, जो सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा टेक ओवर किए गए हॉस्पिटल है वहां पर निःशुल्क उपचार की, भोजन की व्यवस्था हर पेशेंट को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जो हॉस्पिटल जहां पर हॉस्पिटल में क्योंकि हम कोरोना कर्फ्यू में हैं, तो मरीज के परिजन, रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं, ये बात कही, हर प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि मरीज के परिजनों की भी व्यवस्था कम्युनिटी किचन से कम दो समय का भोजन की व्यवस्था उन लोगों के लिए जरूर हो। और ये व्यवस्था मैं धन्यवाद दूंगा अपने विधायक को, जिन्होंने यहाँ पर सफाई में इस मेडिकल कॉलेज में स्वयं उन्होंने अपनी ओर से एक निःशुल्क कैंटीन प्रारंभ किया है। जिला हॉस्पिटल में भी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है, और भी जगह पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट इन लोगों ने न केवल यहाँ पे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए हैं, बल्कि सीएससी में भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस प्रकार के दायित्व का निर्माण होना चाहिए, उस कार्यक्रम को ये लोग निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर व्यक्ति को, हर गरीब जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था 20 मई से प्रारंभ हो गई है। 30 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। मई प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रदेश सरकार के द्वारा भी निःशुल्क खाद्यान्न हर एक जरूरतमंद को, 15 करोड़ से अधिक लोग उससे लाभान्वित होंगे। 3 महीने तक ये व्यवस्था हम पहले चरण में लेने जा रहे हैं, जून, जुलाई और अगस्त में हर जरूरतमंद को ये भोजन, निःशुल्क खाद्यान्न, ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया है, उस हर जरूरतमंद को, जो जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, कुली है, पलेदार है, नाव है, धोबी है, मोची है, या इस प्रकार की जो एक कैटेगरी है जिन लोगों को, जो डेली कमाते हैं उनके, उसी से व्यवस्था चलती है, उन लोगों को भी हम लोग भरण, न केवल राशन बल्कि भरण पोषण भत्ता भी उनको जून माह में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई। श्रमिक हैं, लगभग 2 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे, श्रमिक और इन सभी को, श्रमिक वर्ग को, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहले से सामाजिक और स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। हर एक श्रमिक को 2 लाख, दुर्घटना होने पर 2 लाख की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और 5 लाख रुपए का उनके लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सरकार ने पहले उपलब्ध कराई है। वर्तमान में उनको ये सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान की जा रही है। सरकार ने तय किया है कि जून प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रत्येक जनपद में, अभी हम लोगों ने जो अलग अलग कैटेगरी को हमने लिया था, पहले चरण में आपने देखा होगा 16 जनवरी से जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, हेल्थ वर्कर को हम लोगों ने पूरी तरह वैक्सीनेट करने की कार्रवाई की थी। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स को लिया था, फिर 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को लिया था, फिर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था। हम लोगों ने अभी 18 प्लस की वैक्सीन के कार्यक्रम को 1 मई से प्रारंभ किया, और इसके बाद हम लोगों ने जब पहले चरण में 9 जनपद में, फिर इसको बढ़ा करके 18 जनपदों तक हम लोगों ने पहुंचाया, फिर 23 जनपदों तक हम लेकर के गए। हम लोगों ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट की दोनों बेंच में, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहाँ पर न्यायिक अधिकारियों को और उनके वहाँ जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई, और मीडिया के लिए भी हम लोगों ने 2 जगह, एक नोएडा में और दूसरा लखनऊ में सूचना भवन में, उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई वहाँ पर दोनों जगह सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। सरकार का अगला कदम है कि हर एक जनपद में हम न्यायिक अधिकारियों को और मीडिया को भी वैक्सीन देने के लिए अलग सेंटर उनके लिए बनाएंगे, जहां न्यायिक अधिकारी रहते हैं वहां पर हम लोग उनके लिए, जहां ऑब्जर्वेशन वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया होगी या उनकी डिस्पेंसरी होगी, वहां पर उस प्रकार की सुविधा क्रिएट करके ये सुविधा वहां पर उपलब्ध वैक्सीनेशन की कार्रवाई को जोड़ेंगे।
जहां पे प्रेस क्लब होगा, या प्रेस क्लब नहीं होगा तो किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जहां वेटिंग और ऑब्जर्वेशन एरिया देंगे, वहां पर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे थर्ड वेव आने के पहले हम लोग इन लोगों को तो हम पूरी तरह वैक्सीनेट कर ही सकें, लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हम चिन्हित करेंगे कि 10 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी हम वैक्सीन से आच्छादित करने की कार्रवाई कर सकें, और थर्ड वेव के पहले एक सुरक्षा कवच हरेक परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकें। सरकार की ये कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। इटावा के अंदर यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग मिलकर के एक टीम भाव के साथ काम करते हुए कोरोना की सेकंड वेव को, जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त होती हुई दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्रवाई को शासन के साथ मिलकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, और मेरा विश्वास है कि सेकंड वेव पर हम पूरी तरह नियंत्रण करने में इस महीने के अंत तक काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। हम इसके साथ ही थर्ड वेव की भी अभी से हमारी पूरी तैयारी है और उसको भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। मेरी आप सबसे भी अपील है, हम प्रत्येक नागरिक को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें, और वैक्सीन ये मुफ्त में दिया जा रहा है, इस मुफ्त में वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक भी करें कि हर ये वैक्सीन सुरक्षा का एक कवच है, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच दे सकता है। हम वैक्सीन लगाने में परहेज न करें बल्कि हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं। मुझे प्रसन्नता है कि इटावा जनपद में अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी CSC को, यानी कॉमन सर्विस सेंटर को रजिस्ट्रेशन का केंद्र बिंदु बनाकर के हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।